मेला मैदान में बाहरी राज्यों के व्यापारियों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानों का सामान समेटना शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि इस बार मेला कुछ खास नहीं रहा और लोगों ने कम खरीदारी की, जिसके चलते व्यापार में कमी देखने को मिली। हालांकि शिवरात्रि मेला कमेटी व पुलिस प्रशासन ने काफी सहयोग किया। जिला प्रशासन के आदेशानुसार सोमवार की सुबह से ही बाहरी राज्यों के मेला व्यापारियों ने अपनी दुकानों का सामान समेटना शुरू कर दिया और मेले में लगे डूम को उतारा गया। वहीं लोगों ने भी इस मौके पर मेले में पहुंचकर जमकर सामान की खरीदारी की और लोगों में भी काफी अफरा तफरी देखने को मिली। मेला व्यापारियों का कहना है कि वे अब अपना सामान समेटकर हिमाचल के दूसरे जिलों में आयोजित होने वाले दूसरे मेलों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान शिवरात्रि मेला कमेटी व पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहा और जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद जाहिर किया। हमारी दुकान का नाम सालिम हैंडलूम है। यहाँ हम मंडी में अपनी पर्दे की दुकान लगाते हैं, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो पुलिस का प्रशासन का व्यवहार है, वो हमारे लिए बहुत सहयोग रहा और हम यहाँ आज यहाँ से माल पैक कर हम अगली जगह बिलासपुर जाएंगे, जहाँ पर हम अपनी पर्दे की दुकान लगाएंगे और वहाँ के प्रशासन को देखेंगे वो हमें वहाँ कितना सहयोग करता है। इस बार शिवरात्रि मेले के दौरान हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन महंगाई के चलते मेला व्यापारी थोड़ा निराश दिखे। मेला व्यापारियों का कहना है कि इस बार शिवरात्रि मेले में व्यापार कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि महंगाई के चलते लोगों ने कम खरीदारी की, जिसके चलते उनका व्यापार खासा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी दुकानें बंद कर अपना सारा सामान समेट कर बिलासपुर जिला में नलवाड़ी मेले में जा रहे हैं। जो ये मंडी शिवरात्रि मेला है 2018, काफी हल्का मेला रहा कारोबारी तौर पर, और हम जो अभी पैकिंग कर रहे हैं इसके बाद हम नलवाड़ मेला बिलासपुर जाएंगे। और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जैसे मेला लगता है, हर साल लगा था, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं रहा। और जो इसके कारण है अभी तक समझ ही नहीं आया कि इस बार इतना डाउन क्यों रहा। और इससे इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि बढ़ती हुई महंगाई, जगह महंगी होनी, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब जगह महंगी होगी तो व्यापारी पर खर्च ज़्यादा पड़ेगा, तो उसके लिए मजबूर होना पड़ता है उसको फिर माल महंगा बेचने के लिए। जब माल महंगा होगा तो उसका प्रभाव सीधे ग्राहकों पर पड़ता है। तो ये सब वजह, ये सब कारण है जो मेला इस बार ये काफ़ी डाउन रहा और काफ़ी व्यापारी इसमें नुकसान में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।